इफ्तिखार साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप तो जब बुनियाद रखी जा रही थी 50 साल पहले आज से पीपल्स पार्टी की, उस टाइम पर भी मौजूद थे, आज भी आप पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आज भी हम भुट्टोइज्म पे बिलीव करते हैं, हमारा माइंडसेट वही है, थॉट वही है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो भुट्टो वाली पब्लिक स्पीकिंग, ओरेटरी, पब्लिक को एनिग्मा के अंदर ले जाना, हिप्नोटाइज करना, वो हमें क्यों नहीं नज़र आता इफ्तिखार साहब? देखिए, उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि हर आदमी जो मुकर्रर होता है उसका अपना एक ढंग और स्टाइल होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अपना एक ढंग और स्टाइल था, और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन पॉलिसी पे भी बात करते थे तो लोग को समझते थे और सुनते थे। मैं आपको एक वाक्य बता सकता हूँ कि मौजूद दरवाजे की एक तकरीर है, उससे पहले मौसम ख़राब था, बारिश होने के इम्कान थे, जब तक भुट्टो साहब मौजूद दरवाजे में आए बारिश शुरू होगी, और एक छतरी थी वो मलिक हामिद सरफ आदमी ऊपर करने की कोशिश की, भुट्टो साहब ने हटा दी। मैंने कहा लोग खड़े हैं तो मुझे बात करने के, उस सारी स्पीच में उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे बात की, अयूब खान के रवैये पे बात की, क्या जो अपना रशिया जो दौरा था रूस का उसके बारे में बात की, नफ़ा नुकसान की बात की, और बारिश ख़त्म होगी 2.5-3 घंटे के बाद जब लोग उनको एहसास हुआ कि ख़त्म हो गया जलसा, तो घुटनों घुटनों पानी में लोग खड़े थे। अब मैं वैसा ओरेटर कहाँ से लेके आऊँ? और ये नहीं कि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, सही नो, उनकी उर्दू वैसी उर्दू थी जैसे एक सिंधी की उर्दू होती है, ये एक ऐसे आदमी की उर्दू होती है जो ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ा हो, लेकिन एक्सप्रेशन जो था, जो उसमें एक कमिटमेंट थी, जो उसमें एक मैसेज था, वो कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गए। और एक आदमी जो वहाँ बैठा था, जब भुट्टो साहब ये ने एक दो दफ़ा कहा कि एक भुट्टो ये है जो मैं खड़ा हूँ और एक भुट्टो जो तुम वो खड़े, ये पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने एक खुद अपने आप को भी रिकॉग्नाइज कराया, और एक जो सामने गरीब बैठा हुआ है जिसने धोती पहनी हुई है उसको भी कहा तुम भी मैं मेरे में से हो, असल में तुम भी भुट्टो और मैं भी भुट्टो। ये बात नहीं समझ पा रही ये क्या था। देखिए, आज 50 साल पहले मैं हार्डली 17 साल का था, मेरा तो वोट भी नहीं बन सकता था, और मेरे साथ जो दूसरा साथी मेरा बैठा था, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, ज़फ़रयाब, वो हम दो बैठे हुए थे, और जो बाहर कुर्सी और मेज़ पर जो लोग मंदूब अंदर जा रहे थे उनका नाम रजिस्टर में लिख रहे थे, और जब वहाँ पे टाइम हुआ, हाफ टाइम जिसको बोलते हैं, तो हम भी अंदर चले गए, तो वो नान पकौड़े और वो जो चीज़ें हम खा रहे थे, और जो लोग बैठे थे, कुछ सोच सकता था कि डॉक्टर मुशर हसन के घर 4 के गुलबर्ग में डॉक्टर साहब ने अपने मेन गेट को नहीं छेड़ा, दीवार में सुराख किया, वहाँ से हम दाखिल हुए अंदर सारे, ठीक, कोई नहीं सोच सकता था। गालिबन अखबारात ने इसको बैक पेज पे लिया, और डॉन ने एक अखबार ने तो ये भी लिखा कि ये क्या छोकरे छोकरे इकट्ठे कर लिए हैं कॉलेज, आगा शोरश कश्मीर ने लिखा ये तो लौंडे हैं भागे हुए स्कूलों कॉलेजों से, ये क्या कहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहा। भुट्टो साहब से सवाल हुआ अपना इसमें सिंध में, और अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट ने किया कि तो आपके साथ क्या है, मैं तो ये देखता हूँ ये तांगे वाले लोग हैं ये, उसने कहा कि माई पार्टी विल मेक देम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसका ख्याल था कि इसके साथ इलेक्टेबल नहीं है। क्यों नहीं थे इलेक्टेबल? वो जंग क्या कर रहा था? वो उन इलेक्टेबल के खिलाफ जंग कर रहा था जो उस समाज को लूट रहे थे 1947 से ऑनवर्ड्स, और उसको इस बात का एहसास था, और उसके लिए उसने हल तजवीज़ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम फाउंडिंग पेपर्स बोलते हैं, जिन लोगों ने उनको तहरीर किया वो बड़े उस ज़माने के पढ़े लिखे लोग थे, उसमें दानिशवर थे, उसमें वकला थे, उसमें मारे इक्तसादिया थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए पूरा एक प्रोग्राम दिया, ऐसे एक नारा नहीं मार दिया, पूरा एक प्रोग्राम दिया, और फिर देखते देखते आप यकीन करें कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि क्या हुआ, मतलब द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज एवरीवेयर। तो क्या कहां रास्ता भटक गए, कहां ऐसे गुम हो गए? पीपल्स पार्टी रास्ता नहीं भटकी, फिर कौन? इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि ये पार्टी अगर रहती है, देखिए क्या होता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर फांसी आप ना देते बूढ़ा हो जाता, रिटायर हो जाता, लेकिन जो वो मैसेज दे रहा था, जो मैसेज लोगों तक पहुंचा पाया था, वो मैसेज आगे जाता, उसने गरीबों को ज़मीन दी, उन लोगों को, आपको शायद नहीं पता, देहातों में
لوگوں کو نام زمین نہیں ہوتی, جاگیرداروں کے نام زمین ہوتی تھی, عام جو ہاری ہوتا ہے یہ چھوٹا جو آدمی ہوتا ہے اس کے نام کاغذات میں نام نہیں لکھنے کی اجازت تھی کہ بھائی یہ بھی زمین کا مالک ہوگا. اس نے بے زمین کاشتکاروں کو زمین دی, اس نے کچی بس جو کچی آبادیاں تھیں ان کو اس کے مالکانہ حقوق دیے, اس نے اپنا مزدور کی تنخواہ کے بارے میں بات کی, اس نے مزدور کو حق دیا کہ تم یونین بنا سکتے ہو, اس نے مزدور کے مسائل کو طے کرنے کے لیے این آئی آر سی بنا کے دی. اس نے جو باتیں اس نے کی وہ بہت بڑی ہیں, جہاں وہ یہ کر رہا تھا دوسری طرف وہ اپنا بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ اپنا ہیوی میکینیکل کمپلیکس کے اندر امپروومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ غیر ملکوں کے ساتھ جو بات کر رہا تھا وہ برابری کی سطح پہ اوپر کر رہا تھا, وہ اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا تھا, وہ کسانوں کے پاس جاتا تھا, وہ عوام کے پاس جاتا تھا, وہ انہیں میں رہتا تھا, انہیں میں اٹھتا تھا, انہیں میں جیتا تھا. اگر وہ بوڑھا بھی ہو جاتا تو یہ سارا پروگرام آگے جانا تھا, اور جب یہ پروگرام آگے جانا تھا تو اس ملک کے اندر جو سرمایہ دار تھا, جو جاگیردار تھا, وہ بچ سکتا ہی نہیں. جو مولوی تھا اس کو تو ہم شکست دے چکے تھے 1970 کے الیکشن میں, ٹوٹلی. یہ کہنا کہ وہ کچھ چیز تھی, کچھ نہیں, نو, بالکل. 313 علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا غلط ہے, ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, یہ تحریری باتیں موجود ہیں. پھر شوکت اسلام کے جلوس نکالے گئے, لیکن پیپل ریجیکٹڈ دی مولوی. اور آج اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتا, پھر فوت بھی ہو جاتا اس دوران, اتنا زندہ تو کوئی نہیں رہتا, لیکن پارٹی زندہ رہتی. افسوس ہے کہ آج پارٹی زندہ نہیں, اور آپ کا یہ سوال کیوں زندہ نہیں ہے, اس لیے کہ پارٹی عوام سے دور ہے.